गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अर्चना सिंह आपके सामने 21 जुलाई 2020 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके फिर से हाजिर हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं 21 जुलाई को क्या क्या नई घटनाएं घटी, क्या हुआ देश और दुनिया में नया, इकोनॉमिक्स और रिपोर्ट्स में क्या नया हुआ। और इस ये जो वीडियो सीरीज चल रही है आपकी, पर डे एक एक क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट चुन चुन के लाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा भी मैं पूरा कंपाइलेशन आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, काम चल रहा है उस पर। जल्दी जैसे ही कंपाइलेशन पूरा हो जाएगा आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 21 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने वेस्ट टू ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू की है, जैसे कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा। ये देखिए, यहाँ पे वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू की गई है। ये कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये सिंबल लोगो बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारी उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली ये बनाएगी उत्तराखंड राज्य सरकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण भी कहते हैं जिसे। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी से हैं। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक जिसे कहा जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत इस समय है 3rd पोजीशन पे। चलिए देखते हैं पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। 3rd क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये हमारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो रमेश टीकाराम थे एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में। तो कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते थे। 2002 में पैरा एथलेटिक और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये और कोविड-19 के कारण इनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये बनी है हमारी प्रियंका चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो TIFF मतलब होता है यहाँ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये किया है हमारे देश की तेलंगाना राज्य सरकार ने। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों को सुलझाना होगा। अब चलिए तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तिमली सिलाई सुंदर राजन, लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा के 119 सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। तो ये किया है दिल्ली सरकार ने।
एक्सप्लेनेशन इसके देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में गुटके पर तो पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इन दिनों सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेची जा रही है। इस कारण दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में स्थित TTP संगठन के नेता मुफ्ती मूर वली महसूद को किसने देश में वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। जून 2018 में मौलाना फजुल्लाह की मौत के बाद मुफ्ती नूर वली मसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस समय वैश्विक आतंकवादी के रूप में नियुक्त कर दिया है, नामित कर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और किस देश के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं? तो आप लोग जानते होंगे आजकल पाकिस्तान का सबसे जिगरी जो दोस्त है वो चीन है, तो उसी के साथ हो रहे हैं इस परियोजना पर हस्ताक्षर। इसके तहत झेलम नदी पर बने आजान पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल और भारत के बीच मुख्य समझौता साइबर हमलों से बचने के लिए, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे निकले हैं। तो आज की करंट अफेयर यही समाप्त होते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।